अस्सलाम वालेकुम। ये जी अपनी क्रॉप है, इसको कोई 3 गोड़ियाँ हो चुकी हैं इस एकड़ को। इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन कंडीशन में खड़ी है, कोई मसला मसाइल, कोई स्ट्रेस सर्दी का, किसी किस्म का कोई मसला नज़र नहीं आ रहा। सफाई सुथराई देखें, कोई एक घास का, जड़ी बूटी का कोई एक दिन का आपको नज़र नहीं आएगा इसमें। और 1.25 फुट से प्लस इसकी हाइट है। पत्ते हो गए जी इसके 2, 4, 6, 8 और 9वां निकल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन क्रॉप है और आज माशाल्लाह सूरज भी निकला है, कोई 15वें दिन जाके। ये पपाया के प्लांट्स हैं, साथ कवर्ड किए हुए हैं। ये साथ अपना बड़े वाला पपाया जो तैयार है इस टाइम। ये फल देखें इन पौधों पे, ये बाग भी अल्हम्दुलिल्लाह लश ग्रीन है, कोई सर्दी का इफेक्ट वगैरह नहीं है इसको। दाने कुछ तैयार हैं खाने के लिए, लेकिन यह है कि इनको इन दिनों ना पकाना थोड़ा मुश्किल होता है, कलर नहीं पकड़ते सर्दी की वजह से। तो पिकिंग जो है आज मेरा ख्याल है को 25 दिन हो गए होंगे, इसकी तोड़ाई नहीं हुई। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो बाग अभी लश ग्रीन खड़ा है, सर्दी का कोई इफेक्ट नहीं है इसको। ये अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर तक फल है, जहाँ तक पत्ते निकल रहे हैं 7 फल निकल रहा है। ये छोटे साइज का फल है और पत्ते भी अल्हम्दुलिल्लाह लश ग्रीन है। पिछले साल सर्दी में इन दिनों ना काफ़ी बुरा हाल था पपाया के बागात का, लेकिन इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कोरा वगैरह नहीं पड़ा इस दफ़ा, वैसे सूरज नहीं निकला, धुंध वगैरह चलती रही है। ये सारा बाग नज़र आएगा इससे, सारे का सारा लश ग्रीन है अल्हम्दुलिल्लाह। फल की कंडीशन भी देख लें, बेहतरीन है। ये बाग मज़ा देगा इंशाल्लाह, जो ही सर्दी निकलेगी, सर्दी के फौरन बाद ही अपने रूज पे आएगा इंशाल्लाह। ये जो 7 वाला गार्लिक का एकड़ था, अल्हम्दुलिल्लाह आज सूरज देखने को मिला है कोई 15 दिन बाद, तो मौसम काफ़ी बेहतर फील हो रहा है।